पंजाब के बठिंडा जिले में थाना जीआरपी के अधीन आते रेलवे यार्ड के पास दो रेल यात्रियों पर अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया। इस हमले में एक यात्री की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं लुटेरे दोनों से 25,000 की नकदी और 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घटना के बारे में सहारा जन सेवा संस्था को सूचना मिली तो संस्था के वकर मनी शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। यहां से एक घायल को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया जहां उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान सुरेश निवासी बिहार के तौर पर हुई है जबकि जख्मी की पहचान अजय यादव निवासी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के तौर पर हुई है। दोनों जिला फाजिल्का के अधीन आते शहर अबोहर में किन्नू तोड़कर आगे सप्लाई करने का काम करते थे। मैं सहारा जन सेवा तो मणिकरण शर्मा। सानू रात कंट्रोल रूम से साढ़े ते फोन आया कि रात 12 बजे भी इतने दो बंद लुटखो हो गई है। असी मौके पर आके देखा तो एक दी हालत बहुत गंभीर सी जिन्हों सिविल हॉस्पिटल लेके गए। उस तो बाद बनती कार्रवाई GRP थाने वाले कर रहे। एक दी डैथ हो गई जी, वह नाम सुरेश। एक हैगा बिहार का जी, एक हैगा वैसट बंगाल का। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, 2 ਮੋਬਾਈਲ, ਬਾਕੀ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਜਰੂਬ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟੀ ਵੱਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਰਡ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।